नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोग IOCL में जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए, इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है 1574 पोस्ट के लिए, 74 वैकेंसी निकाली गई है, 1574 वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कब से अप्लाई होगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, यह पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें रिटन टेस्ट लिया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा और इसमें आपका फ़ी लगेगा, आप अप्लीकेशन फ़ी या नहीं लगेगा, ये पूरा डिटेल से हम देखेंगे। वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अप्लाई करने के लिए, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखेंगे। यहाँ एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन वेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीज़न, और यहाँ पे डेट दिया गया है 25 अक्टूबर 2019, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। और पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रेड दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, किस किस रिफाइनरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। टोटल जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे आपको 1574 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन सभी रिफाइनरी के लिए, जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी हो गया, बरौनी रिफाइनरी हो गया, गुवाहाटी जो रिफाइनरी है आसाम में है, बरौनी रिफाइनरी आपको बिहार में पड़ता है, और गुजरात यहाँ पर रिफाइनरी दिया गया, हल्दिया रिफाइनरी दिया गया है, इसके बाद हल्दिया रिफाइनरी, उसके बाद मथुरा रिफाइनरी दिया गया जो उत्तर प्रदेश में है, गुजरात गुजरात में है, हल्दिया जो दिया गया ये बंगाल में है, उसके बाद यहाँ पे पानीपत दिया गया जो हरियाणा में है, डिगबोई दिया गया है यहाँ पे, गंगा गांव दिया है, बोंगा गांव दिया गया है, उसके बाद पारादीप दिया गया है, ठीक है। तो इतने रिफाइनरी में वैकेंसी आई है, और ये जो अप्रेंटिसशिप होगी वो 12 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप होगी। टोटल वैकेंसी आप किस रिफाइनरी में कितनी है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है ट्रेड एंड डिसिप्लिन, ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा, अटेंडेंट ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पर दिया गया है 3 साल का, यदि आपने BSc किया है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो इसमें अप्लाई आप करेंगे इसमें, ठीक है। और ये आपकी 12 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, और टोटल वैकेंसी देख सकते हैं आप किस यहाँ पे रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए मैकेनिकल डिसिप्लिन में, और यहाँ पे मैट्रिक विद 2 साल का आपके पास, मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI फिटर में आप किए हुए हैं तो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए वही सभी रिफाइनरी है 12 मंथ के लिए यहाँ पे, और सभी रिफाइनरी में कितनी कितनी सीट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए मैकेनिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 साल की BSc किए हुए, 3 साल का फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 2 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, यानी कि 12 मंथ 12 12 24 2 साल का, और टोटल वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन के लिए दिया गया है 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं केमिकल से, इंजीनियरिंग से, रिफाइनरी से, पेट्रोलियम से, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। 1 साल का यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। इसके बाद ये पोस्ट यहाँ पर दिया गया है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, आपको 1 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। सीट भी आप सभी रिफाइनरी में अलग अलग सीट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे टेक्नीशियन दिया गया है, 3 साल का डिप्लोमा यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का यहाँ पर आपको। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन के लिए दिया गया है, इंडस्ट्रियल के लिए डिप्लोमा इंडस्ट्रियल में किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आपने डिप्लोमा किया है तो इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे BA BSc BCom यदि आपने किया है तो
तो इसमें अप्लाई करेंगे आप अप्रेंटिसशिप के लिए, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए पोस्ट। यहाँ पे 15 मंथ का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट नंबर 9, यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, यदि बीकॉम आपने किया है, ग्रेजुएट है, तो आपको 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। 10वां पोस्ट यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर फ्रेशर अप्रेंटिस दिया जाएगा आपको। यदि क्लास 12 पास हैं आप, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1.5 महीने का आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट यहाँ पर पोस्ट 11 नंबर दिया गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। यहाँ पे 10वीं पास है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के साथ आप डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो 15 मंथ का यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। तो ये अप्रेंटिसशिप आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप भरते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, या वही जिस जैसे रिफाइनरी में आपने अप्लाई करना है तो आपके लिए बहुत ही आगे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगेगा, तो आप इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें और भी डिटेल्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। एज लिमिट की दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है 24। 24 साल होना चाहिए। देखिए यहाँ से काउंट किया जाएगा आपका, 31/10/2019 से काउंट किया जाएगा आपका एज। और चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, जो भी डिटेल्स इसमें दी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा 2 घंटे का। यहाँ पर दिया गया रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे का आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आंसर, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई आपको कब से करना है। यहाँ से आपको ओपन हो जाएगा 25 तारीख से, यानी कि आज के दिन से ही आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 25 यहाँ पे 15 नवंबर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी रिफाइनरी के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कि इसी तरीके का आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे गुवाहाटी के लिए दिया गया है, बरौनी के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया के लिए, मथुरा के लिए, पानीपत, डिगबोई, बेंगा गाँव, यहाँ पे पैरादीप के लिए, सभी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, ईमेल भी आप कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे। देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन 25 अक्टूबर से होगा, लास्ट यहाँ पर डेट दिया गया है 15 नवंबर। टेंडेटिव डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे दिया गया है 20 नवंबर से 23 नवंबर तक। इसके बाद टेंडेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट 24 नवंबर। टेंडेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे 29 नवंबर। टेंडेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 दिसंबर से 11 दिसंबर दिया गया है। पूरा डिटेल्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ एक चीज़ और बता दें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है।